नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आज रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि का रतनगढ़ उपजिला अस्पताल को जिला अस्पताल में कर्मोन्नत करवाने के उपरांत प्रथम बार रतनगढ़ पहुंचने पर संगम चौराहे पर स्थित पवन होटल से शहर के मुख्य बाजारों में से होते हुए सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल व दर्जनों गाड़ियों के काफिले सहित बहुत बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महर्षि का स्वागत अभिनंदन किया। विधायक निवास पर हुए स्वागत कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य व पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने 31 किलो की माला पहनाकर महर्षि का स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परसराम शर्मा ने की। अपने संबोधन में बोलते हुए विधायक महर्षि ने कहा कि चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, जनप्रतिनिधि जब पूर्ण विश्वास व मजबूती के साथ अपनी बात को विधानसभा में उठाता है तो सरकार को उसे पूर्ण करना पड़ता है। मैंने चुनाव में यह बात कही थी कि राजलदेसर में महाविद्यालय, छापर में सीएचसी, रतनगढ़ में सीवरेज ड्रेनेज व रतनगढ़ के उप जिला अस्पताल को जिला अस्पताल में इसी विधायक काल में मूर्त रूप दिलवाकर रहूंगा और मैंने यह सभी काम आप सभी कार्यकर्ताओं की ताकत से पूर्ण करवाए हैं और भविष्य में भी आपके सभी कामों को तत्परता से करवाता रहूंगा। कार्यक्रम को विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवचंद साहू, अर्जुन सिंह फ्रांसा, गोपाल मारू, जयराम जांगीड़ आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन सुशील इंदौरिया ने किया। जी, आज जो उत्साह देखा गया रतनगढ़ में, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, लोगों का असीम स्नेह है, प्यार है और जो मैंने काम करवाए हैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए, उन कामों के कारण लोग आशीर्वाद देने के लिए बहुत आए। मैंने पिछले बजट के अंदर दो बड़ी घोषणाएं करवाई हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री से स्वयं मिलकर मैंने 10 दिन पहले ही कह दिया था कि ये दोनों घोषणाएं इस बजट के अंदर होंगी। इस विश्वास के साथ इसलिए कह दिया था कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मेरे से हाँ करी थी और मैंने चुनाव के अंदर ये बात कही थी कि चाहे राज किसी का भी आ जाए, मैं ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बनाऊंगा, ड्रेनेज भी लाऊंगा, सीवरेज भी लाऊंगा, राजलदेसर में कॉलेज भी बनाऊंगा, छापर में सीएचसी बनाऊंगा, ये सब काम हुए हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बजट भाषण के अंदर ये बात कही है कि माननीय सदस्यों की मांग पर मैं ये घोषणा करता हूँ। माननीय सदस्य राजस्थान विधानसभा का सदस्य विधायक होता है और विधायक के कहने से, और यहाँ 3 दिन पहले भी एसडीएम साहब का भी फोन आया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का संदेश आया है कि विधायक जी से पूछ लो आपके कामों की क्या प्रायोरिटी है। तो प्रायोरिटी के अंदर मैंने पहला काम प्रायोरिटी के अंदर रतनगढ़ का जिला अस्पताल बनाना था, दूसरा छापर की सीएचसी बनानी थी और बाकी काम भी बताए। ये दोनों काम प्रायोरिटी के ऊपर बताए गए काम कर दिए। इसलिए जो लोग बाकी कहते हैं कि हम करा ले, राजस्थान की विधानसभा के अंदर जो सदस्य होता है उसके कहने से राजस्थान की सरकार काम करती है, ये दल और बिना दल की बात नहीं। धन्यवाद सर।